दोस्त, अगर आपके शरीर पे भी ये लक्षण आपको देखने को मिल रहे तो कहीं हो सकता है कि आपका जो लीवर है वो खतरे में आ चुका है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो लीवर है फ्रेंड, वो एकाएक खराब नहीं होता है। सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गन मजबूत है तो लीवर है, क्योंकि लीवर को बहुत ज्यादा काम करना होता है। और सबसे अच्छा जो कुदरत ने हमारे लीवर को ये चीज दिया है कि ये रीजनरेशन भी इसमें हो जाता है। अगर इसका डैमेज यानी इसमें फाइब्रोसिस स्टेटोसिस वगैरह अधिक नहीं हुआ है तो उसका रीजनरेशन भी हो सकता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आप लगातार बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी होने जा रही है कि अगर आपके लीवर के अंदर कोई भी डैमेज हो रहा है तो आपके बॉडी के ऊपर उसका कौन कौन सा असर देखने को मिल सकता है। फ्रेंड, हम बात करते हैं कि इसका डैमेज होता क्यों है। अगर आप लगातार अल्कोहल वगैरह का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, आपको गठिया वगैरह है या आर्थराइटिस है, या फिर आप ऐसे कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं जो कि लीवर को डैमेज कर रहा है, या फिर आपको वायरल है यानी हेपेटाइटिस के जो वायरस है, HBA है या HBV वगैरह है, ये सब वायरस कहीं से आपको अंदर आ चुके हैं तो लीवर को डिजेनरेट कर सकते हैं, या फिर लीवर के जो सेल्स है उसके अंदर कैंसर वगैरह फॉर्मेशन होना शुरू हो गए उसके वजह से हो सकता है, टॉक्सिन्स वगैरह जो होते हैं उसके वजह से लीवर का डैमेज हो सकता है। तो लगातार ये, और जो कभी कभी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड वगैरह खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो हम बात करते हैं कि आपके बॉडी के ऊपर कौन कौन से ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे कि जिससे आप ये जान सकते हैं कि हो सकता है आपके लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। पहला चीज ये होता है कि आपको भूख वगैरह लगना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, आपको ज्यादा भूख वगैरह नहीं लगेगा। दूसरा होगा कि यहाँ पे आपको राइट साइड में है चेस्ट के नीचे, यहाँ पे आपको हल्का हल्का दर्द वगैरह महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपका जो लीवर का साइज है कभी कभी वो भी देखने को बढ़ जाता है, देखने को ये भी मिलता है कि उसका साइज बढ़ रहा है, इसको हम लोग हेपाटोमिगैली कहते हैं। इसमें ज्वाइंटिस वगैरह देखने को मिलता है, आपका ये जो आँख है यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो ये नीचे में पीलापन है, या ऊपर से आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको आँख के अंदर पीलापन देखने को मिलेगा। आपके ये जो नाखून वगैरह उसमें पीलापन देखने को मिलेगा। आपके जो बाल वगैरह है उसका झरना बहुत उसका झरना शुरू हो जाएगा। आपका जो स्किन वगैरह उसमें इचिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो सकता है। आपको जो है कि वजन कम होना ये भी इसमें देखने को मिल जाए, लगातार आपको कमजोरी होगी, हो सकता है आपको उल्टी भी हो रहा। और अगर लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, उसके अंदर वायरल वगैरह है, उसके साथ साथ आपको बुखार वगैरह भी हो जाता है या हो सकता है। आपका जो स्टूल है उसका जो कलर है यानी जो लैटरिंग आपको पास आउट हो रहा है उसका रंग भी बदल सकता है, वो मिट्टी कलर्स हो सकते हैं, जैसे एक मिट्टी होता है क्ले कलर होता है तो वैसा हो सकता है। कभी कभी आपका जो यूरिन है यानी जो पेशाब है उसका जो रंग है वो भी डार्क देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा लीवर है वो प्रोडक्शन करता है एल्बुमिन वगैरह का भी, ग्लोबिन वगैरह है उसका प्रोडक्शन में हेल्प भी करता है। तो जब वो ही खराब रहेगा तो उसका जो एल्बुमिन वगैरह प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और यही क्या करते हैं कि अलग अलग जो हमारे हार्मोन्स वगैरह है उसको बाइंड करके पूरे बॉडी में इसको रेगुलेट करते हैं, और इसको इसके ऊपर क्या है कि इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको हार्मोनल है यानी एंडोक्राइन के प्रॉब्लम भी देखने को, थायराइड वगैरह के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कोगुलेशन आप ब्लड में हेल्प करते हैं, यानी जो आपका खून उसको थक्का जमाने में ये हेल्प करते हैं, तो उस कोगुलेशन वगैरह में भी दिक्कत देखने को मिल जाएगी। INR जो है हो सकता है आपका बढ़ा हुआ है, विटामिन के वगैरह जो फॉर्मेशन वगैरह है उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा जांच कराया जा सकता है। फ्रेंड, इसमें जो सबसे अच्छा जांच होता है पहले वो LFT कराते हैं यानी लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसके अंदर जो जांच है वो SGPT है, SGOT है, GGT वगैरह है, तो ये सब है हम लोग जांच कराते हैं। इसमें PT है यानी प्रोथर्मिक टाइम है, CT है, CTBT वगैरह, ये सभी हम लोग देखते हैं। और इसमें फ्रेंड हम लोग है कि कोगुलेशन फैक्टर्स वगैरह है कभी उसका भी जांच कराया जा सकता है, INR वगैरह का भी जांच कराया जा सकता है, हेपेटाइटिस का भी जांच कराया जा सकता है कि कहीं आपको हेपेटाइटिस तो नहीं है। तो ये सब प्रमुखता से लीवर के जांच वगैरह किए जा सकते हैं। इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी है यानी UHG एब्डोमेन भी देखते हैं कि लीवर का जो साइज वगैरह वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। लास्ट में हम लोग इसमें क्या है कि अगर ये सबसे भी क्लियर नहीं हो रहा है
तब जाकर के हम लोग लीवर का बायोप्सी वगैरह कराते हैं। बायोप्सी में हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कितना ज्यादा फाइब्रोसिस है या फिर इसके अंदर सिरियोसिस वगैरह लीवर का हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर लीवर आपका नॉर्मल लेवल पे है तो इसमें हम लोग है लीवर लिवोजाइम है या लीव-52 है, ये सब सीरप है या इनके टैबलेट्स वगैरह आते हैं, इसको सुबह शाम या 3 बार TDS वगैरह में चलाते हैं। बाकी में है कि लीवर अपने से खुद रिजनरेट हो जाता है। आपको फैट वगैरह है कम खाना होगा, अल्कोहल ले रहे तो अल्कोहल कम करना होगा, या जिन भी कारण से आपका लीवर है उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आपको कम करना होगा। घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपका लीवर कम से कम डैमेज है तो ये अपने आप फिर से रिजनरेट वगैरह हो जाएगा। लेकिन अगर लीवर है उसको SCC यानी हेपाटोसेल्यूलर कार्सिनोमा हो गया लीवर में, बहुत ज्यादा क्रोनिक आपको लीवर की प्रॉब्लम हो चुकी है, तब जा करके आपको लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह ही करवाना होगा। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आप ऐसे ही किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो नीचे मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए वीडियो के साथ फिर से मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।